खरगोन में पीएम आवास के तहत नगर पालिका सीमा में बनवाई गई मल्टियों में लोगों को बसा तो दिया है, लेकिन यहां शुद्ध पानी और साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना रहता है। टेमला रोड स्थित मल्टी के रहवासी इन दिनों इन्हीं मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गुरुवार को रहवासियों ने मल्टी के मकानों में गंदे पानी के सप्लाई होने से नाराजगी दर्ज कराई। साफ पानी के लिए तरस रहे लोगों का आरोप है कि नगर पालिका यहाँ नाले पर बने कुएं के पहले टैंकरों के जरिए पानी स्टोर करती है, फिर घरों में सप्लाई किया जाता है। उक्त पानी बेहद गंदा और बदबूदार है, क्योंकि इस कुएं में नाले सीवरेज का पानी भी मिलता है। नगर पालिका द्वारा यही पानी घरों में सप्लाई किया जा रहा है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। प्रतीक पाटीदार ने आरोप लगाया कि शासन के निर्देश के बावजूद पानी की सप्लाई में निगम की तरह से लापरवाही बरती जा रही है। लॉकडाउन में लोगों का बजट पहले से ही बिगड़ा हुआ है, ऐसे में रोज रोज पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि समस्या दूर नहीं होती है तो चक्का जाम जैसे प्रदर्शन को बाध्य होंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। समस्या ये है कि ये पीने का पानी जो कुएं से दिया जा रहा है काफ़ी गंदा पानी है, इससे लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो नगर पालिका को चाहिए कि यहाँ भी नल की सुविधा करें या पीने के पानी की कोई व्यवस्था करवाए। हमने जलधारा वाले को भी कई बार खबर की, लेकिन वो भी इधर आता नहीं है। बच्चे आस पास में पानी की कोई सुविधा है कि कहीं पानी लेने जा पाए? काफ़ी दूर जाना पड़ता है, बावड़ी पे जाना पड़ता है जलधारा का पानी लेने के लिए, वहाँ से लोग लाते हैं पानी। ये मल्टी जो मल्टी का गंदा पानी कहाँ पर मिलता है, कहाँ जाता है? कुएं में आके मिल रहा है, यही नाला था, यहीं पे उन्होंने कुआं बना दिया है। अब वो नाले का पानी है और उसमें टैंकर का पानी लाके ये लोग डालते हैं, तो कैसे पिएंगे उस पानी को? बीमारी भी फैल रही है, बीमारियाँ फैल रही है, हर घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुखार सर्दी खांसी से बच्चे परेशान हैं। इतनी गंदगी है आस पास, ये पेड़ पौधे इतने रहे हैं, निकलने में जानवर रात को सड़कों पे सांप। क्या नाम है आपका? घूमते रहते। मेरा नाम मालती परसई है। अच्छा, अरे आपने कल नगर पालिका पहुँच के भी ज्ञापन दिया? हम लोगों ने कल ज्ञापन दिया नगर पालिका में पानी और जल की समस्याओं के लिए, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा जो प्रशासन से द्वारा निजी कॉलोनियों में मिलती आ रही है, दवाइयाँ छिटाई जा रही है, पानी की अच्छी सुविधा की जा रही है, वही सुविधा नगर पालिका प्रशासन खुद अपनी खुद की कॉलोनी जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर लोगों को फ्लैट मिले हैं, जो कि काफ़ी यहाँ पर परिवार रह रहे हैं, उन लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उन सुविधाओं से ये लोग काफ़ी वंचित हैं। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि यहां पर सभी को पानी की प्रॉपर सुविधाएं दी जाए। यहां पर साफ़ सफाई का भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। जो बीच में रोड बनाए गए हैं उन रोडों के बीच में भी काफ़ी गड्ढे हैं, जो गड्ढे आज तक प्रशासन लोगों को आवंटन देने के बाद भी वहाँ पर गड्ढे की भरपाई नहीं की गई। और यहाँ पर डेंगू मलेरिया जो आज बीमारियाँ चल रही है, वो बीमारी को प्रशासन यहाँ पर खुद ही पैदा कर रहा है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर नगर पालिका टैंकर से लेकर के पानी डाला जा रहा है, वो पानी भी नगर पालिका से ला कर के डालते हैं कुएं में। नाले का पानी बहकर के कुएं में आकर के मिलता है, वो काफ़ी गंदा है। आज उसके अंदर पूरा पानी हरा हो चुका है, वो पानी पीने लायक नहीं है। आज हमारे यहाँ बच्चे, फैमिली, परिवार जो भी यहाँ पर रह रहे हैं, कई लोगों को अभी यहाँ पर समस्याएँ हैं, बीमार भी हो रहे हैं। इसका जवाबदार कौन रहेगा, प्रशासन है, नगर पालिका या कलेक्टर ऑफिस? मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इसका जवाबदार है वो इसका निराकरण करे, जल्द से जल्द निराकरण हो। हम लोगों के आवेदन देने के बाद भी यहाँ पर हितग्राहियों के साथ यही कहानी हो रही है। अगर समस्या हल नहीं होती क्या करें? अगर समस्या हल नहीं होती है तो हम लोग यहाँ पर रोड पर धरना देंगे, और धरना देने के बाद उस समस्या का हल कराएंगे, क्योंकि प्रशासन इसमें नज़रअंदाज कर रहा है, और इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करते हुए कार्यवाही की जाए, हमारा अनुरोध है। क्या नाम है आपका? कपिल पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।